हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले बैंक निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में कि जो 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक रहने वाला है, बीच में एक थर्सडे की छुट्टी रहेगी, तो नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपायरी जो है वो 1 अप्रैल को रहेगी, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है उसके लिए एक 17,300 का एक जो लेवल है वो बढ़िया हमारा फाइनल सपोर्ट था, और मैंने ये बताया था कि जैसे कि वो जो सपोर्ट है वो ब्रेक होगा तो फिर आपको 16,600 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि हुआ यूं कि उससे भी वो थोड़ा सा नीचे ज़्यादा चला गया, मतलब 16,000 के आसपास का जो है वो हमने लगभग लो लगाया था। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या सपोर्ट रहेंगे और क्या टारगेट रहेंगे उसके बारे में। तो जो नंबर 1 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट सपोर्ट अब निकल के जो आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए वो है 19,400 का लेवल। दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको कि ये जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लोजिंग बेसिस की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर ये जो लेवल है वो ब्रेक कर देता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब नीचे के अंदर फिर से हम एक और बार 18,100 के आसपास के जो लेवल है वो एक बार फिर से देख सकते हैं। उसके अंदर ये जो सपोर्ट रहेगा वो हमारे लिए फाइनल रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नेक्स्ट वीक के लिए, और अगर ये वाला जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी के अंदर 17,400 से लेके 16,000 के जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखने वाला जो लेवल है दोस्तों वो है, जैसे 18,100 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है। मतलब मोटा मोटी मान सकते हो 18,000 का लेवल, 18,000 का जो लेवल है जैसे ही बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि फिर से हम 17,400 से लेके 16,000, मतलब जो हमने लो लगाया था उसके आसपास फिर से एक और बार जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों में भी ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सपोर्ट के लिए, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए। तो पहला जो टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए जो निकल के आ रहा है अब वो है लगभग 21,500 का लेवल, 21,500। अगर ये जो लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर जो है वो हम अचीव करते हैं, या तो फिर हम इंट्राडे के अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर उसके आसपास, तो फिर हमें नेक्स्ट जो है वो 22,800 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, 21,500 का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ तो 22,800, और अगर ये जो लेवल है वो अच्छी तरीके से ब्रेक होता है तो लगभग हम 23,500 के जो लेवल है वहाँ पर हम जा सकते हैं, और ये जो है वो हमारे लिए फाइनल रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। मतलब कि 23,500 का जो लेवल है वो अगर हम अचीव कर लेते हैं उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं तो फिर आपको ये जो रैली है वो बहुत ही स्पीड से बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल सकती है। फिर 24,000 और 25,300 का जो लेवल है वहाँ पर हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेनली फिर से एक बार समरी बता देता हूँ कि मेन आपको जो सपोर्ट ध्यान में रखना है नेक्स्ट वीक के लिए वो है 18,100 का, मतलब 18,000 का, और वैसे 19,400 जो है वो भी एक बढ़िया सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 18,000, और वैसे टारगेट में 21,500। एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों, खास ध्यान से सुनना,
अगर 21,500 का जो लेवल है वहां पर जा रहा है लेकिन वहां पर अचीव नहीं हुआ, उसको टच नहीं किया, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है और नीचे आ रहा है, तो फिर एक और पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी कि हम एक बार 19,400 और 18,000 के जो लेवल है वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, खास ध्यान से ये बात मेरी याद रखना। ओके, तो कैसा रहा ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनकी भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।